पीछे लोने क्यों करो नीचे जी
नीचे लोएन क्यों करो नीचे लोएन क्यों करो सब घट देखो पियो सब घट देखो पियो आठ जाम चौसठ घरी जाम चौसठ घरे तो निरखत रह जियो दोए दोए लोचन पेखा नीचे लोए क्यों करो दोए दोए लोचन पेखा हर बिन और न देखा सब घट राम बोले हर बिन और न देखा सब घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे राम बिना को बोले रे एकल माटी कुंचर चीटी भजन है बोना नारे नीचे लोएन क्यों करो स्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समारे सब घट राम बोले नीचे लोएन क्यों करो घट घट राम समानारे बड़ी खूबसूरत दलील नाल जवाब देता है बाबा कबीर जी दे पहले श्लोक ने दूजे श्लोक दा निर्णय कर देता पहले वेले आख्या गया सी तेरे अंदर रब वसदा है बार क्यों देखना है अखंडीमिया कर ले निगाह नाल निगाह भर के देखना छाड़ दे सब पासे क्यों देखना है रब प्रभु तो तेरे अंदर वसदा है किसे नू ना दस दिखावा भी ना कर दो लाइना विच दो विशेष लफज सन नीचे लोएन कर रहो
ले साजन घाट माए। प्रीतम मालिक नू अंदर देख, अंदर पछाण लै, अंदर चात पा, अंतरमुखी हो, दुनिया ही ना देखी जा, दुनिया ना सलाए जो मर बन सी, लोका ना सलाए जो मर खाक थी। आ जेड़े बार चका चौंद खूबसूरती देखना, ये चार दिन दे गए, ये चार दिन दे गए। जेड़ा तेरे अंदर बैठा है वो आद सच है, जुगाद सच है, ऐ भी सच है। नानक उसी कदे उसने मरना ही नहीं, कदे उनकी खूबसूरती भी नहीं कटनी, कदे उसकी चमक भी नहीं कटनी। अंदर बैठे बाहर की देखना, नीवे नैन कर ले, नीचे लोएन कर रहो, ले साजन घाट माए। ते जिन्नू कोई महान चीज मिल जाए वो कई बार छुपा के रखता है, जिन्निया भी कीमती चीजा ने वो हमेशा लुका के रखिया जांदियां ने, उन्हां दा दिखावा नहीं बनता। ते जे तेनू साजन कीमती नजर आउंदा है, जे तू पछाण लै कि मेरे रब की कोई कीमत नहीं, कंचन छुपाइए नहीं तोल, सोने नाल तोल के भी नहीं मिलता वो, जे सोने नाल तोल के मिल सकता होंदा, सम्मन जो इस प्रेम की दम के हो होती साट, दम कंजने दमड़े नू रुपए पैसे नू साठ कहते ने लैन देन वट्टा सट्टा। ते जे किसी कीमत दे वट्टे सट्टे प्रभु दा प्रीतम दा प्यार मिल सकदा, गलवकड़ी मिल सकदी, ता रावण कोई गरीब सी, उन्हें सिर क्यों अर्पण किया। सम्मन जो इस प्रेम की दम के हो होती साठ, रावण होते सिरंक ने, वो गरीब ने जिन सिर दीने काट, कंचन से पाई है नहीं तो वाल, बड़ा कीमती है। पर दूजा पक्ष हर पक्ष, मैं पिछली बार की थी, हर पक्ष नु गुरु साहब ने स्पष्ट किया है, कोई परीक्षा नहीं सी, किते भी भरम ना पै कर जाए। फिर कहन लगी, दुनिया अंदर जिन्नियां कीमती चीजा ने उन्होंने लोग छुपा के रखते ने, रब न भी छुपा लव, जिन हर पाया तिने छुपाया। खोरे संसार अंदर भगत जान बंदगी करन वाले लोग जेड़े असल भगत ने वो दिखावा प्रगटावा शो नहीं करते कि मेरे वर्गा भगत कोई नहीं, वो छुप के रहते ने, क्योंकि कीमती चीज उन्होंने मिली है, तो कीमती चीज न दुनिया छुपा के रख दी है। एक पहलू सी उस पहलू दे दो हरफी ए लफज सन कि नीचे लोयन कर रहो, ले साजन घाट माए, प्रीतम तेरे अंदर वसदा है, बड़ा कीमती है। ते अगले पासन किसे लिखावो ना है, लिखावो तो मतलब उनका दसना दिखावा करना कि मेरे को हर चीज है, किसे लिखावो ना है,
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾਹੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਮੀਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਫਜ਼ਾ ਸਨ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਪੋਪ ਮੱਧ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤਾ ਹੈ ਮੁਕਰਮਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪੋਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਗੁਨਾਹ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਵਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੁਪਾਏ ਤਦ ਵੀ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੁਪਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਆਹ ਕੱਢ ਵਾਸ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਸਖੀ ਬਸ ਆਓ ਸਖੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੇ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾਏ ਗੁਣਾ ਕੈਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਭਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਸਾਜਨ ਘੱਟ ਮਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਈਰਖਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਦੁਆਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਵੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ
ਹੁਣ ਦੱਸ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਖੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਲੋਇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਾ, ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਭ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ, ਉਸ ਪੀਓ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੇ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਂ ਵੀ ਨਾ ਆਈ, ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸਭ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿਸਿਆ, ਸਭ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੋ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਾ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ, ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਈ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬੇਮੋਹਤ ਵਿਰਲੇ। ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹੋ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਬੇ ਲਫਜ਼, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ, ਅਲਫ ਇੱਕ ਬੇ ਦੂਜਾ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇ ਲਫਜ਼ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਅਲਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ।
धर्म ही मैं ही हाँ, भगती मैं ही कर सकना। अज का समाज ये तो नहीं भी भगती मनता नहीं, मनता है अगे नालों भगती ज्यादा हो रही है, भगती के स्थान भी अगे नालों ज्यादा ने, अगे नालों खूबसूरत भी ने, पर एक घाट हो गई है। अपने आप विच भगती है, दूजे नू मनुख भी नहीं समझता। यो ही धर्म की थां ते परम बन गया। धर्म ही जदों समझा ना जाए तो वह परम बन जाता है। परम ते धर्म विच होर कोई अंतर नहीं, किसी चीज नू समझ लो। इसलिए कह दिता जा ज्ञान ते धर्म है, किसी गल नू समझ लेना उन्दे विच्चों धर्म जन्म लैंदा ज्ञान विच्चों, ते किसी चीज नू ना समझ सकना ते एवें कर कुराए पै के तुरिया जाना उन्नू परम कहिंदे ने। ते बाबा कबीर जी ने आख्या, कहन लगे हुण मेरा परम चला गया, हमरा भरम गया, हमरा भरम गया भव भागा, भव भागा जब राम नाम चित लागा। हुण मैनू पता लग गया, बाजी गर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई। हुण मैनू खेड दा ते खेडारी दा दोहां दा पता लग गया पछाण। ये नहीं कि संसार दी खेड नू देखना छड दिता है। एक गल ते विश्वास कर लिया भी ये खेड जिहड़ी है कौन खेड रहा है। दिन भी लफज आए सन कि बाबा कबीर जी दे एक खास करके इन विषयां ते बाबा कबीर जी बड़े बोल रहे ने। इसीलिए कह दिता, ओए जो दिसे अंबर तारे किनू ओए चीते चीतन हारे, तू तारिया नू पिया देखना है। मैं ते ए वेखना कहो रे पंडित अंबर कासो लागा, बुझे बूझन हर सवाल, तू तारिया नू वेखना है, मैं वेखना भी तारे बनाने वाला कौन है। तू खेड नू देखना है, मैं खेड नू खेडन वाला देखना। कहन लगे ये फर्क है, बाजी गर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा सब खलक तमाशे आई, बाजी गर स्वांग सकेला। मैं ते इसलिए बाजीगर नू पछाणना खेड नू नहीं, क्योंकि खेड आपे नहीं चलदी। खेड जिन्नी देर खिलाड़ी चाहता है चलती रहती है, ते जदों वो अपने स्वांग नू खेड नू समेटना चाहता है, बाजीगर स्वांग सकेला, वो अपने स्वांग नू अपने तमाशे नू अपनी खेड नू संकोचना चाहे तो उदों ही कल्ला रह जांदा। पहला भी एक सी, मुड़ भी एक रह जांदा। उस सूखम तो सथूल बनिया सी, सथूल तो फिर सूक्ष्म हो जांदा। आके आपे सूखम आपे सथूला, गुरबाणी अंदर हर गल दा जोर। कहन लगे आपे सूखम आपे सथूला, लखी न जाई नानक लीला। उंदी लीला है, उंदी खेड है। कहन लगे बाजी गर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला,
अपने रंग रवे अकेला। कई जुगत की नो विस्तार, कई बार पसरो पसार, पर सदा 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 एक एकंकार। बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला। कथनी कहे परम न जाई, कल गया मुश्किल है। लोग उन्दिया गल्ला ही कर देने, उन्हों पछाण देने। रोजाना जिंदगी दी सच्चाई बयान है। आज असी पिछोकड़ वाल ते आउन वाले समय सब नूं भुल जाइए, वर्तमान विच देखिए ते एहो कुछ नहीं हो रहा भी कथनी कहे। भावें गुरद्वारे ने, भावें मंदिर ने, भावें मस्जिदां ने, भावें विद्वान ने, भावें कथाकार ने, कथा हो रही पर परम नहीं जा रहा। टकराओ, अज दी बेरुखी सारी परम ते खड़ी। ते एहो गल बाबा कबीर जी ने आख दिती, कह लगे मैं तेनूं यकीन दिवाना असी कथनी कह कह के, भाव जबान दे नाल गल्लां कर कर करके ही रब दी तशरीह करी जाने। पिछले दिन विच इक लफ्ज आए सी बाबा कबीर जी दा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर कई थावां ते इह गल आई। कहण लगे गल्ली जोग ना होई, जोग कहिंदे ने मिलाप नूं, गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कही है सोई। एक इहो जिही अख, इहो जिहे लोइन खुलन के सारियां नूं इको जिहा समझ लए, जो मेरे विच है उह उहदे विच वी है। जिन्नी देर असी हर थावें निरंकार नूं पछाण नहीं सकदे, उन्नी चेर उन्दियां गल्लां करन दा कोई फायदा नहीं। कथनी कहे परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। कहन लगे जिन्ने लोग ने संसार दे, ओ गल्लां नाल ही रब ने रूप बनाई फिरदे ने। सद्गुरु ने आखिया गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कही है सोई। और इत्थे भी बाबा कबीर जी ने अपने उस शब्द नूं, उस ख्याल नूं संसार अंदर परपक करन लई इहो गल दोबारा आखी। कहन लगे कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, सब कथ कथ रही लुकाई। अगे जाके कहंदे ने ए सारी गल उजागर किवें होई। गुर किंचित कृपा कीनी, गुरु कोल आउण दी लोड़ क्यों है, क्योंकि गुरु रहमत करके गल्लां तो बाहर कढदा है, गल्लां तो बाहर। वो कहंदा नहीं राम राम सब को कहे, कहें राम ना होए, मेरा गल्लां नाल ही राम राम वाहिगुरु प्रभु प्रभु अल्लाह अल्लाह ना आखी जा। गुर किंचित कृपा कीनी, गुरु ने कृपा करके सब तन मन दे हर लीनी, उन्ने मेरा तन मन दे हरी नाल रब नाल सांझा कर दिता। हुण जो कुछ भी मैं करना, मैं ये नहीं समझदा कि मैं करना, इंदा ना ही गुरबाणी अंदर ये लफज आए ने, कर्म करत होवे ने कर्म, कुछ करे ये गल नहीं भी करनी नहीं, क्योंकि शरीर जा जीवन मिले कुछ करने लई,
पर ओह करन दे उत्ते निर्भर ना होवे आखे मैं कुछ नहीं कर रहा जो तू करें करावे स्वामी सा मसलत प्रवान कहन लगे जदों ये अवस्था बन जाएगी फिर होएगा कर्म करत होवे ने करम इसे भी कह दिता सब तन मन दे हरली नहीं मेरा तन मन दे सारे रब नाल अपेहद हो गए हुण मैं वखरा नहीं हुण ओ मिलिया ते मिलिया किहो जिहा ये नहीं कि मैनू अपने अंदरों ही मिलिया बाहरों भी मिलिया गुरु ने इसे लिए कह दिता कहन लगे अंतर एको अंतर एको बाहर एको सब घट राम बोले अंतर एको बाहर एको सब में अरे के हुण मैं किहदे कोलों लुकावांगा किसे लिखावो ना है सब में रहा समाई नीचे लोयन क्यों करो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो आठ जा चौसठ घड़ी हुण तां मैं अठो पैर आठ जाम चौठ घड़ियां हर पासे तैनू ही देखना तो निरखत है जीओ हुण मैनू जीओ नू सारे पासे हर वक्त हर पल तू ही दिसना है कहन लगी आठ जाम चौसठ घड़ी तो निरखत है जियो तो निरखत है जियो सब घट देखो सब घट देखो पियो सब घट देखो पियो तो हाँ ये अवस्था किवें बनती है इस अवस्था की निशानी की हम अगली बार आप बाबा कबीर जी को समझांगे इन शब्दों नाल खवांदा जा चुका फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।